केंद्र लोकपुरी से एक वीडियो वायरल हुआ है। यहां सड़क पर जुम्मे की नमाज चल रही थी, इसी बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता दिखाई दिया। पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवकों को लात मारता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस मामले पर DCP नॉर्थ मनोज मीणा का कहना है कि गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कुछ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर दिल्ली पुलिस पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। प्रताप गढ़ी ने लिखा, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूलों को नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं को मुकदमे दर्ज करिए और इसकी सेवा समाप्त करिए। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। पुलिसकर्मी नमाजियों के साथ बदसलूकी से पेश आए, वहीं पुलिसकर्मी ने लात मारने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई और सब पुलिसकर्मी को घेर कर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे।